ठीक है, तो आइदर पेयर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, जैसे एक सर्कल है उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको क्या प्रूफ करना होता था इसमें, गिवन में लिख लेना एबीसीडी इज अ, ये सर्कल एंड एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपना सेंटर इसका ओ ले लेना, ठीक है, ये गिवन में हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना था कोई बताओ? एसी और बीडी जॉइंट, ज्वाइन एसी एंड बीडी। कब से एग्जाम है तुम्हारा पुष्कर? 18th एमजीएम है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ ठीक है, तो अपना रिवीजन शुरू कर लो अब, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये हो गया, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इसका वैल्यू कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। प्रूफ देखो, ए सी को ज्वाइन किया हमने और बी एंड डी को ज्वाइन करा, ठीक है। कैसे होता था प्रूफ बताएगा कोई भी बताओ? चलो एंगल मार्क कर ले रहा है, इसको एंगल वन, ये एंगल टू, ठीक है। एंगल थ्री, एंगल फोर, बताओ जी कैसे करोगे प्रूफ, किसको याद है? बताओ, सब भूल गया। हेलो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गया सबका। कोई तो बताओ, क्या समझे इस खामोशी को, बोलो। सर एंगल टू और एंगल फोर इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम सेगमेंट में, इसीलिए टू और फोर, टू और फोर, हाँ सेम सेगमेंट। मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ, तुम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बताओ, जो डायग्राम हम बना के दिए उसके अकॉर्डिंग बताओ, टू और फोर कैसे इक्वल कर दे तुम? एंगल वन और एंगल टू इक्वल, सॉरी वन वन है, एंगल वन और एंगल टू इक्वल होगा। आगे इसके अलावा सब भुला गया है, किसी को नहीं याद है। चलो देखो, आज फाइनल फिर से हम सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो कैसे प्रूफ करते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, भूल गए हो, रिवीजन इसलिए तो कराया जा रहा है, भूल गया लेकिन आज के बाद मत भूलना, ठीक है। लेकिन जो जो चीज पूछेंगे वो बस बताते चलना, हाँ या ना में जवाब देते चलना, ठीक है। तो देखो, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, ये बताओ। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, अब देखो एक बार ये एंगल लिया हमने, एक बार ये एंगल लिया, डायग्राम को याद करने की कोशिश करो बस। अब एक बार हम ये एंगल ले रहे हैं बी ए सी, तो इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा बताओ? इसके बराबर बीडीसी होगा, बीडीसी मीन्स, हम चलो हम तुम्हारे सुविधा के लिए दोनों को अलग अलग कलर में कर दे रहे हैं,
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, हाँ या ना? बी ए सी और बी डी सी इक्वल होगा, यहां भी रीजन क्या? तो एंगल इन सेम सेगमेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, प्लस कर दो, इक्वेशन वन और टू को क्या करो, ऐड करो, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल ए सी बी, ए सी बी और बी ए सी तो कुछ देगा क्या? नहीं देगा। ए सी बी, ए सी बी और बी ए सी कुछ देगा क्या? नो सर, नहीं देगा। ठीक है, कोई नहीं, तो इसको लिखो ए सी बी प्लस बी ए सी। और ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी क्या दे देगा? एंगल ए डी सी, ए डी सी देगा। यहां तक आया समझ में? Yes. बताओ। अब इसके बाद क्या करना, देखो ए सी बी और बी ए सी, ए सी बी और बी ए सी कौन से ट्रायंगल का एंगल है? एंगल ए बी सी का है, ए सी बी और, ठीक है, तो क्या करना, अब कौन सा एक एंगल इसमें बची है? ये एंगल बी बची है ना ट्रायंगल ए बी सी में, ध्यान दो ये दोनों पे ध्यान दो, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, कौन से ट्रायंगल के एंगल का पार्ट है, इसी ट्रायंगल का है ना? तो अब इसमें एक कौन सा एंगल बच गया, ये एंगल एबीसी बच गया ना, तो क्या करना, दोनों साइड में एंगल एबीसी ऐड कर लेना, दोनों साइड में क्या करना, एंगल एबीसी को ऐड कर लेना, ठीक है। तो एडिंग, एडिंग एंगल एबीसी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये सबसे आसान तरीका है प्रूफ करने का। तो एसीबी प्लस बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए डी सी प्लस एंगल बी ए, सॉरी ए बी सी, ठीक है। अब ये तीनों का सम कितना, 180 इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी। कुछ आया समझ में? देखो इतना छोटा साइज का प्रूफ है, बस तुमको क्या क्या याद रखना है तो वो देख लो कैसे कैसे याद कर पाओगे। डायग्राम को कोशिश करो याद करने का, डायग्राम में कौन कौन सा एंगल हम दिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्यों, उस चीज को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ ध्यान में रहेगा ये? यस सर। चलो तो एंगल बी प्लस डी 180 हो गया, अब एंगल ए प्लस सी की बारी आई। तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन तीनों मिला करके 360 डिग्री, और डी प्लस बी का वैल्यू तुमको पता है 180। तो ए प्लस सी प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब याद रहेगा कि फिर से भूल जाओगे? बताओ। देखो कैसे याद करना है तुमको, बस तुमको ध्यान में रखो, स्टेप याद किया करो ना, थ्योरम के प्रूफ का स्टेप याद किया करो, क्या क्या किए। सबसे पहले तो तुमको कोई दो दो एंगल, देखो हम क्या किए हैं, एक एंगल ऐसा लेना, मतलब जैसे यहाँ पे ये एंगल बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, इतना सारा एंगल बना है, लेकिन तुमको एक पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल लिखना है। क्या करना है, एक पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल लिखना है। तो हम एंगल डी को चूज कर लिए थे, तो अब इस एंगल डी को हमको कंप्लीट कैसे लिख पाएंगे, जब हम ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है। हम याद करने का तरीका बस बता रहे हैं। अब तुमको क्या करना है, इस एंगल के अकॉर्डिंग इसके इक्वल जो होगा उसको लिख देना, ये होगा, और इसके इक्वल जो होगा ये वाला एंगल होगा उसको लिख देना, और बस उन दो इक्वेशन को ऐड कर देना। कोई भी तुम अपने मन से एक कंप्लीट एंगल चूज करो, कोई भी एक कंप्लीट एंगल, जरूरी नहीं है कि एंगल डी ही चूज करेंगे हम। चलो लेट, हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, हम एंगल सी कंप्लीट चूज करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमको इक्वेशन इसी एंगल के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कैसे बनेगा इक्वेशन, तो हम इस एंगल को लेंगे, तो ये किसके बराबर होगा बताओ, कोई ये एंगल किस एंगल के बराबर जाएगा,
एबीडी के बराबर। तो क्या लिखेंगे, तो एंगल एबीडी इक्वल्स टू एंगल एसीडी। अब दूसरा, इस एंगल सी को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट एंगल हम ये अगर लेते हैं, तो इसके लिए हमको दूसरा एंगल कौन सा लेना होगा, ये वाला एंगल लेना होगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए लिखेंगे ना। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को फिर क्या कर देना, बस ऐड कर देना। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू, ये दोनों एंगल को ऐड करोगे ए सी डी और ए सी बी, तो ये क्या दे देगा, एंगल ए सी बी दे देगा, सॉरी ए सी डी और ए सी बी, तो ये पूरा का पूरा क्या दे देगा बताओ तो जरा, बी सी डी लिखेंगे, सॉरी हम यही नहीं लिख पा रहे थे, बी सी डी लिखेंगे। अब देखो ये दोनों एंगल कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी डी और ए डी बी, देखो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल एबीडी का। तो हमको दोनों तरफ कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल, एंगल बीएडी ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जैसे ही बीएडी ऐड कर लेना, आप दोनों तरफ क्या करना है, एंगल बीएडी ऐड कर देना, हो गया काम खत्म। बी एंगल ये हो गया सी और एंगल ए, और ये पूरा का पूरा मिला करके 180 डिग्री। अब याद रहेगा ना तुमको क्या करना है, एक कंप्लीट एंगल, कोई भी एक कंप्लीट एंगल चूज करना, और वहां से जो दो एंगल डिफरेंट डिफरेंट निकल करके आएगा, उन दोनों से रिलेटेड इक्वेशन लिखते चले जाना। अब तो नहीं भूलेगा, अभी भी भूल गया तो फिर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, छोड़ो, ठीक है, समझे बच्चा लोग, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस यस सर। आप मत बुलाना, अगर आपके बाद बुलाया कभी अगले साल भी पूछेंगे तो बताना होगा, हाँ सर ऐसे प्रूफ करते थे, हम सिर्फ इस साल के लिए नहीं याद करवाए हैं। जो नहीं बताएगा अगले साल उससे तो फिर पर्सनल दुश्मनी करेंगे हम लोग को। चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट ऑफ थिस, ये कन्वर्ट ऑफ फर्स्ट कितने को आता है, ये कितने से बनेगा, कितने को याद है, क्या है सीन तुम लोग का बताओ। सर इसको तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इस पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। यस सर। क्या करना होता था, क्या करना होता था, एक सर्कल लो और एक क्वाड्रिलेटरल का ना तीन पॉइंट को सर्कल पे लेना, यही था ना पुष्कर। यस सर यही था, एक को बाहर, कोई तीन को सर्कल पे ले लेना, तो तीन पॉइंट हो गया, एक को सर्कल के बाहर कर देना, ठीक है, एक को क्या करना सर्कल के बाहर कर देना। और जैसे ये ए बी सी डी हो गया, सब भुला गया है, गलत बात है, फिर एबीसीडी हो गया, क्योंकि देखो सर्कल चैप्टर से ना अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली थ्योरम का प्रूफ आता है, मैक्सिमम हम यही देखे हैं कि उसपे कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसपे बहुत कम आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आता है, एक तीन नंबर में रहना ही रहना है, ठीक है। तो तीन नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा ना वो मैक्सिमम तुम्हारा एंगल वाले बेस पे होगा, एंगल या इक्विलेट क्या बोलते हैं इक्वल कॉर्ड, इन सब पे बेस्ड होता है। प्रूविंग का अगर क्वेश्चन आता है तो कोशिश करते हैं वो लोग भी ज्यादातर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से देने का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह को ध्यान में रखो अपने। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या था, ए को, ये जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को जहाँ पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको ए से ज्वाइन कर दो, ठीक है, उसको क्या करना ए से ज्वाइन कर देना। तो देखो ए बी ए बी सी ई क्या बन गया, एक ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या। यस सर। ठीक है, तो ए बी सी ई
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उस चीज को लिखो, ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी प्लस एंगल ई कितना दे देगा? 180 डिग्री देगा। अब देखो बी प्लस ई 180 डिग्री दे दिया, और इसमें फिर क्या करना था, एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या दे देगा, 180 देगा। तुमको अब किसी तरीके से एंगल डी और एंगल ई को क्या करना था, कॉन्साइड प्रूफ करना होता था, इक्वल प्रूफ करना होता था। तो अब क्या करोगे बताओ कोई? इसके बाद चलो रिवाइज करो, दिमाग में दौड़ाओ क्या करवाए थे, ज्यादा नहीं एक मिनट का टाइम बस, जिसको भी ध्यान में है बताओ क्या करना था। सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टाइप कुछ लगाना था। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी टाइप कुछ लगाना था, तो इस एंगल के बारे में आप बोल रहे हैं, ये एंगल को क्या लिखेंगे? तो ये एक्सटीरियर एंगल से तो नहीं होने से रहा। देखो देखो सोचो, उसी से होगा। अच्छा उसी से होगा, तो क्या लिखना होगा इसको बताओ? एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल ई डी ए EDA प्लस एंगल DAE DAE। अब क्या करेंगे इसका फिर, कहाँ पे इसका यूटिलाइज करेंगे बताओ? जहाँ पे एंगल ई आया उसको चेंज कर देंगे क्या? क्या तो यहाँ पे इस एंगल ई को चेंज करने बोल रही हो, क्या करने बोल रही है फिर? सोचने दीजिए, तुम अपने हिसाब से बताओ तुम कैसे प्रूफ किए इसको। और किसी को, और कोई? श्रेया, पुष्कर, शाश्वत, कोई तो बताओ। सर कोई और मेथड नहीं है प्रूफ करने का, तुम्हारे पास कोई है तो बताओ। सर एक तो हम अपने कॉपी में लिखे थे स्कूल से, उसमें सिर्फ ये एक्सटीरियर एंगल वाला कुछ नहीं था। तो तुम कैसे प्रूफ की थी? चलो कोई बात नहीं, समझो सब भुला गया है, ठीक है। देखो ध्यान से दो, ध्यान दो, एंगल बी और एंगल ई का सम तो 180 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सबको? बोलो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 होगा ना, बी और ई का। अब देखो इन दोनों को ऐड करें तो भी कितना देगा? तो एंगल ई लिखो और इस तरह से ये डालो, सॉरी इसको अच्छे से लिख लेते, चलो कोई, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी, ये भी कितना दे देगा? 180 डिग्री। इसको भी हम कंप्लीटली ही लिख रहे हैं, इसको ए ई सी लिखते हैं, इसको क्या करते हैं ए ई सी लिखते हैं। तो अब देखो दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी। तो यहाँ से ए ई सी कैंसिल हुआ, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ई डी होगा, बताओ? यस सर। अब कर लोगे? अब कुछ याद आया कि अभी भी नहीं याद आया?
अभी भी नहीं याद आ रहा है? अरे तुम लोग कुछ भी रिवाइज नहीं किया है जो पूरे सेशन में। हाँ जूही, जूही यस, कुछ भी नहीं याद आ रहा है? नहीं। अभिषेक? यस सर। कुछ भी नहीं याद है जी तुमको भी? नो सर। नो सर, अजीब हालत है। आर्यन, पुष्कर, बताओ तुम ही लोगों, तो ऐसे काम चलेगा यार? मतलब एक को भी नहीं याद है इसका प्रूफ। गलत बात है यार, फिर तुम लोग किया क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है पूरे सेशन। पुष्कर याद आया तुमको? एंगल बी और एंगल डी को इक्वल कर लें। कैसे करोगे बताओ? बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें गिवन में पहले से क्या है, इफ एनी, इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसमें तुमको पहले से दे रखा है कि एंगल बी और एंगल डी का सम क्या दे रखा है, पहले से 180 दे रखा है। एंगल ए प्लस एंगल सी का भी सम कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तुमको इस चीज का भी यूटिलाइज करना है। अब तो बता दो कोई, अरे ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो एंगल का सम 180 पहले से ऑलरेडी गिवन है। देखो पहले वाले में हमने क्या प्रूफ किया था, पहले वाले में हमने प्रूफ किया था कि दो एंगल का सम 180 आएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको दो एंगल का सम पहले से 180 गिवन है। अब इसका यूज करो और बताओ कैसे करोगे। अब तो बता दो कोई कि दो एंगल का सम 180 पहले से गिवन है तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, लेकिन उस चीज को अब प्रूफ करके दिखाना है। करके दिखाओ, अब कर दो यार, अब करके दिखाओ, फिर हम ही बताएंगे, कोई उपाय नहीं है। एक्सटीरियर एंगल वाला लगाओ ना, तुम लोग बोल रहे हैं ना एक्सटीरियर एंगल का फंडा लगाने, वहां पे देखो कुछ करना तुम ही लोग को है। सर ए बी सी प्लस ए ई सी 180 डिग्री हो जाएगा, तो फिर इसी से ए ई सी इज इक्वल टू ए डी सी भी हो सकता है। ए बी सी और ए ई सी तो 180 है यस सर, तो इसी से ए ई सी और ए डी सी इक्वल नहीं हो जाएगा? तुमको किसी भी तरीके से इन दोनों को इक्वल करना था। तुम्हें पता है कि B प्लस D 180 है, एंगल B प्लस D 180 है, और हमने अज्यूम किया क्या कि AC, ABCE भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। तो ABCE भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझो। चलो सही, अब सही जा रहे हो तुम लोग।
देखो ध्यान से समझो, इसमें पहले से थ्योरम में दे रखा है कि आइदर पेयर, कोई भी पेयर का, एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180. हमने क्या एज्यूम किया कि एंगल बी प्लस एंगल डी पहले से 180 डिग्री है, ठीक है? एंगल प्लस एंगल डी पहले से 180 डिग्री है. अब देखो जब हम ई यहाँ पे आया तो तुम्हारा ए बी सी ई क्या बन गया, ए ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? ए बी सी क्या बना, एक साइक्लिक बना. तो ए बी सी ई साइक्लिक बना तो एंगल बी प्लस एंगल ई ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. दोनों इक्वेशन से एंगल डी और एंगल ई नहीं आ गया बराबर, बताओ? और एंगल डी और एंगल ई बराबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या करेगा. इतना छोटा सा प्रूफ था, तुमने 10 मिनट लगा, सब भुला के बैठ गया यार. मतलब हम नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि इसका प्रूफ तुम लोग को नहीं याद होगा. हे भगवान. नेक्स्ट तो बन जाएगा ना, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल. सही में एक्सपेक्ट नहीं था कि अगर ये नहीं बता पाओगे, इतना टाइम चला जाए. क्या सर था आपका आवाज शायद थोड़ा धीरे आ रहा, मतलब कम आ रहा है. रुक जाओ, ठीक कर ले रहे. अभी ठीक जा रहा है? यस सर, थोड़ा ठीक. ठीक, चलो ये करो. हेलो, यस, ये बना, ये हो जाए, ये हो जाएगा. इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, तो ए बी सी डी एक पहले से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर दिए, तो देन द एक्सटीरियर एंगल, जो ये एंगल है, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट, इसके बराबर होगा. तो ये तो आसान है क्योंकि ए बी सी और डी नाम दे दो, तो एंगल ए और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा, हो जाएगा ना. और दूसरा देखो, ये एंगल और ये एंगल का भी सम कितना हो जाएगा, 180. डी सी बी प्लस यहाँ पे ई कर दो, बी सी ई ये भी 180. तो दोनों इक्वेशन से देख लेना तुम्हारा क्या क्या कटेगा छटेगा, उसको देख लो. ये कैंसल हो जाएगा, तो एंगल ए और एंगल डी सी, सर ये नहीं, ये वाला पोर्शन कैंसल होगा, तो एंगल ए और बी सी इक्वल हो जाएगा. ये तो हो जाता ना सबसे. यस सर, यस सर, यस सर. सेकेंड यार एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टाइम लगाओगे तुम लोग, कोई बात नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 4, ये बहुत बार हम देखे हैं स्कूल एग्जाम में आते हुए, कि द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल को बाइसेक्ट करने पे जो फिर नया वाला क्वाड्रिलेटरल बनता है वो भी साइक्लिक होता है, ये प्रूफ करना है. अच्छा हम एक चीज बताए थे, तुमको याद होगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दो एंगल का सम 180 है, लेकिन तुमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं, हम ऐसा पूछे थे, याद है? जैसे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 दे रखा है, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि एक भी सर्कल नहीं ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन हम इसको साइक्लिक बोल रहे हैं. तो याद होगा हम बताए थे कि अगर दो एंगल का सम 180 होता दिख रहा है, तो कोई ना कोई एक सर्कल ऐसा जरूर ड्रॉ होगा जो इसके चारों वर्टिसेस से निकलेगा, ठीक है? याद आ रहा है कुछ, ये चीज बताया था? yes, yes, तो उसी, तो इस चीज को प्रूफ करो तो, कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो साइक्लिक, ठीक है? जैसे एक सर्कल हो गया, रिवाइज करो जी, थ्योरम रिवाइज करो. और एक क्वाड्रिलेटरल हो गया,
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जहां पे मीट करेगा, ये मिला एक, इस दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया, ये लाइन इसको बाइसेक्ट किया, तो अब ये जो नया तुमको दिख रहा है अंदर में पी क्यू आर एस, ये भी साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करना है। कर लोगे? आसान है ये? यस सर करेंगे। फटाफट प्रूफ करो, जिसको नहीं आता है ऑनेस्टली बताओ, हम फिर से सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी नहीं याद है कैसे प्रूफ था बताओ, इसमें हम गुस्सा नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में हमको थोड़ा बुरा लगा नहीं बताए तो, सेकेंड क्योंकि आसान था, इसमें हम फिर से सिखा देंगे। थोड़ा सा बताइए दीजिए, थोड़ा सा बता दे। देखो क्वाड्रिलेटरल पहले से क्या है, जो हम नाम लिख दे रहे हैं, एबीसीडी पहले से क्या दे रखा है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एबीसीडी पहले से क्या है, साइक्लिक है, तो जैसे ही साइक्लिक हुआ तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना 180, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना 180 देगा, बताओ? यस सर। ठीक है, चारों एंगल का सम अप कर लो, या फिर इसको एंगल को ऐसा दिखाओ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इसी चीज का यूज करो और देखो अब करने का। ट्रायंगल ट्रायंगल का यूज करते चलो, किसी दो एंगल को 90-90 दिखा दो ना, मतलब सॉरी 90-90 नहीं, जैसे पी और आर का सम 180 दिखा दो, या फिर एस और क्यू का सम, इन सब में से किसी का भी सम 180 दिखा दो, हो जाएगा, करके देखो। दो ट्रायंगल ले लो, एपीबी को ले लो और कौन सा है, डीआरसी का यूज कर लो, वहां से बन जाएगा। देखो याद करो फिर से क्या क्या करना, इन ट्रायंगल एपीबी बन गया, इन ट्रायंगल बन गया, बढ़िया, यस ठीक है, इन ट्रायंगल एपीबी क्या लिखेंगे हम, एंगल पीएबी प्लस पीबीए प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बन गया, ठीक है, बन गया, सही है सही है सही है। पी ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ एंगल ए, लिख सकते कि नहीं? यस यस, इसी सब यही सब यूज करो, बन जाएगा। और पी बी ए को हाफ, ठीक है, बन गया सर, एंगल बी, चलो ठीक है, ठीक है, फिर तो छोड़ रहे हैं, कर लोगे ना ये? यस सर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, ये तो आसान है, साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, तो पहले से तुमको पैरेललोग्राम है और वो भी पहले से क्या दे रखा है, साइक्लिक है, एक पैरेललोग्राम है ये एबीसीडी, और ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ साइक्लिक भी है, ये तो फिर तुम लोग ऐसे ही बना जाएगा, बन जाएगा ना भाई? यस सर, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, बनाओ 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 बनाओ, इसको बनाओ, ध्यान से पढ़ो क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से फिर इक्वेशन वगैरह जो हो सकता है करो। इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
डायगोनल ऑफ अ रूल, ठीक है ठीक। क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक दे रखा है। और इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो किस चीज का काम कर रहा है? डायमीटर, डायमीटर का। तो ये एंगल तो वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सारा थ्योरम डिस्कस। फिर से एक चांस दे रहे हैं, अब तक के कोई भी थ्योरम में डाउट है तो पूछ लो। इम्पोर्टेंट थ्योरम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई तक में किसी भी थ्योरम के प्रूफ में डाउट है तो पूछो। एक बार पढ़ते चलो, हम ओपन कर दे रहे हैं एक एक करके। थ्योरम पढ़ो और पूछते चलो कि हाँ सर ये इसका प्रूफ बताइए, उसका प्रूफ बताइए फटाफट। सेक्शन ए में कोई पूछना है किसी को कोई थ्योरम तो पूछो। अभी सिर्फ सेक्शन ए देखो, बी में मत चले जाना। और पढ़ रहे हो तो रिकैप करो कि कैसे कैसे प्रूफ किए थे, ये नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दिए। बाकी का टेंशन नहीं लो जी, बाकी लोग जिसको एक भी थ्योरम में डाउट है पूछो। सेक्शन ए में है? नो सर, सर। चलो फिर बढ़िया। सेक्शन बी में देखो, सर सेकंड एक बार बता दीजिए। The line joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. ये है second, यही ना? Yes. चलो देखो क्या है। Line joining the center of a circle to the midpoint of a chord. एक chord है, ठीक है, इसके midpoint को और इसके सेंटर को मिलाने वाला लाइन कॉर्ड पे आपस में परपेंडिकुलर होता है, यही प्रूफ करना है, ठीक है। जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है और जो सेंटर है उसको एक लाइन मिला रहा है, वो लाइन का लाइन हम डी दे दिए हैं। तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि ओडी जो है एबी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ओए को ज्वाइन करो, ओबी को ज्वाइन करो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट राइट साइड साइड से? यस सर, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे एंगल ADO और BDO इक्वल हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। हो गया प्रूफ, ADO और BDO इक्वल होगा और दोनों का सम कितना होगा 180। ये दोनों एंगल होगा ना CPCC से इक्वल और दोनों का सम 180, तो एक 90। नेक्स्ट सेक्शन बी में कोई और थ्योरम? कोई और थ्योरम है सेक्शन बी का तो पूछो। नहीं है? नो सर। ठीक है, तो एक इसमें से एक दो है हम मार्क कर रहे हैं, उसको एक बार दो बार अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा थोड़ा है। हाँ ये दोनों, थर्ड और फोर्थ को एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का प्रूविंग है इन दोनों का, इसलिए थर्ड और फोर्थ को एक दो बार अच्छे से बना जाना, ठीक है। सेक्शन सी में बताओ, जो जो मार्क करवा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि तो बाकी सारे थ्योरम का प्रूफ आसान है, कोई टफ नहीं है करना, लेकिन जो हम इन दोनों में थर्ड और फोर्थ को मार्क कराएं इसमें थोड़ा सा याद होगा अजीब तरीके, अजीब तरीके का नहीं, थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम थर्ड और फोर्थ को मार्क करवाए हैं। सेक्शन सी में बताओ कोई थ्योरम।
है क्या कोई? नो नहीं सर। हाँ हाँ बोलो। सेवन नंबर एक बार बस बता दीजिए ना, ऐसे बता दीजिए। इक्वल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब बताओ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता था पता है? भूल गया सर, भूल गया सर, एक बार बताएं। सर्कल विद इक्वल रेडियस। अरे नालायक, तो तुमको कॉन्ग्रुएंट सर्कल याद नहीं है तो 5, 6, 7 कैसे कर लेगा? 5 और 6 सीधा 7 ही याद आया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसे होता है वैसे ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल दो अलग अलग सर्कल होगा, ठीक है? Yes, sir. लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, yes. तो दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है? और इसके दोनों कॉर्ड भी इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड पहले से इक्वल है, ये भी दे रखा है। तो अब तुमको प्रूफ करना है ना कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये भी इक्वल होगा, तो हो जाएगा ना दोनों ट्रायंगल। हाँ सर, ठीक है। यस सर, पक्का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना। हाँ सर, इसका भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, और ए बी इक्वल टू सी टू पहले से गिवन है। सेक्शन डी में आओ, डी का कोई थ्योरम में बताओ। 5 नंबर हम खुद से करने बोले थे, तो 5 तो आज भी तुम्ही को करके आना है। 5 में एक कंस्ट्रक्शन होता था, याद होगा, ऐसा करके फिर एक थोड़ा ऊपर बढ़ा देते थे उसी तरीके से, याद है कुछ? एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर इसका, थ्योरम नंबर 5, तो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों केस प्रूफ करना होता है क्या? सेक्शन डी का नंबर 1 में तीनों केस। हाँ ठीक है, तो तुमको भी तीनों केस प्रूफ करके दिखाना होगा एग्जाम में अगर आता है तो। भगवान से मनाओ कि ना ये थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय खराब करेगा। सर आप तो दे चुके हैं कितनी बार। हाँ ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। लेकिन हम एक ही प्रूफ किए थे केस। नहीं तो हम ही मना कर दिए थे कि एक ही करो, लेकिन स्कूल में सुनने में आ रहा है कि तीनों करने बोला जाता है, कि तीनों करना होगा। सर कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता था? कौन साइक्लिक का मतलब नहीं पता है? एक ही साइकिल पे, एक ही सर्कल पे होगा चारों पॉइंट, उसको कौन साइक्लिक बोलेंगे, ठीक है? 4 पॉइंट कौन साइक्लिक है, यानी मतलब कोई एक सर्कल उस चारों पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है? देखो ना उसके बाद भी लिखा हुआ दैट इज लाई ऑन द सेम सर्कल। यस सर, बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो सेक्शन ही तो आज ही कंप्लीट करवाए। तो ये था तुम्हारा थ्योरम सर्कल चैप्टर से रिलेटेड। तो हम कुछ इसमें से मार्क करा रहे हैं उसको अपना, फिर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इसका 5 नंबर, क्योंकि ये सब थोड़ा लेंदी लेंदी है, हम इसलिए इन सबको मार्क करा रहे हैं। और इसका 1 नंबर, 1 और 5 का प्रैक्टिस करना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये हो जाएगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये भी आसान है। इसका 1 और 5 कर लेना प्रैक्टिस। इसमें से ये जरूर बनाना एक दो बार, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और सेकेंड तो आसान था, थर्ड भी आसानी है, फोर्थ भी आसानी है। हाँ नहीं, फोर्थ का भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। इन दो, इतने ये 4 थ्योरम है, 6 थ्योरम है टोटल, इन 6 का तुम लोग एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है? ये तुम्हारा थ्योरम का कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। एनसीईआरटी में कहां तक हो गया था?
10.5%. देखो अरे यार ये क्या हो गया, देखो सही गाना है ना ये वाला, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा गाड़ी वाला है सर, हम तो बोल ही रहे थे अभी कचड़ा वाला आया तो बीच बीच में दूसरा गाना भी बजा। 10.4 तक हो गया था 10.5, ये मैं बता दिया था ना जो क्या बोलते हैं माइनर आर्क में जो एंगल बनता है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्स एंगल पे, बताए थे ना लास्ट क्लास में। Yes, sir. तो 10.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक तो करा ही दिए थे, 5 तक हो गया था ना। Yes, 5 तक हो गया था, चलो बनाना शुरू करो सीखते, फटाफट बनाओ खत्म करो आज ये चैप्टर और बाकी का रिवीजन ऑफलाइन में। हो गया सिक्स, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, हाँ ठीक ही है बन जाएगा तुम सबसे, आंसर दो कितना है एंगल ई सी डी। बन गया? Yes, sir. से किसी को डाउट है? चलो ठीक है आगे देखो, डाउट बन गया? Yes, sir, बन गया। डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir. ठीक है नेक्स्ट ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हो गया ना 7, एट नंबर देखो, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, करो, नॉन पैरेलल इक्वल हो गया तो ये साइक्लिक होगा, तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम हो गया ना, तो आइसोसेलस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी पता है किसी को, कितने को पता है आइसोसेलस, अब गूगल करके फटाफट नहीं बता दो सर, आप बताए थे उस दिन, हाँ तो तुम तो भूल गई होगी, 100% से हो रहे हम भूल गए ना, तो भूलिए कि नहीं, हाँ या ना,
यस नहीं, अब तो ऑफलाइन में जरूरी है तुम लोग को रिवीजन कराना। देख भी की थी डंडा एकदम बढ़िया बढ़िया वाला रखा हुआ था ना ऑफिस में डंडा, और तुम लोग आओ ऑफलाइन में रिवीजन कराते हैं हम। सर फिर से भाई जी। हाँ जी बताओ कोई ऐसा सेलेस्टियल ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी बताएं सर। बताओ देख ली गूगल सर आपको बोले ना बायजूस अपोजिट एंगल सर सप्लीमेंट्री। हाँ तो हो गया खत्म, ये प्रूफ हो गया ना। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है क्लियर। तो ये भी कंप्लीट, क्योंकि जैसे ही अपोजिट एंगल का सम यहाँ पे जिसका जरूरत था हमको उसी से मतलब था, तो यहाँ पे जैसे ही अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक। ये भी क्वेश्चन खत्म। 9 नंबर बनाओ, टू सर्कल इंटरसेक्टेड टू पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ये अच्छा क्वेश्चन है। एसीपी और क्यूसीडी इक्वल दिखाना है। यस सर बन गया। बन गया कैसे बना सर? एपी को और डीक्यू को ज्वाइन कर देंगे, फिर एंगल, हाँ फिर एंगल पीबीए और एसीपी इज इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएगा, फिर डीबीक्यू और क्यूसीडी इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट से, फिर दोनों, फिर एबीडी और पीबीक्यू ये सब इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, तो क्वेश्चन में गिवन है, फिर बी, फिर पीबीए और डीबीक्यू वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, फिर ए, फिर तीनों इक्वेशन से एसीबी और डी क्यूसीडी इक्वल हो जाएगा। और किसी से बना? मेरे से नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा है, मम्मी से मेहनत कर रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है जिससे बन गया ये आखिरी में बता देंगे, जिससे बन गया वो अपना छोड़ के जाएगा क्लास वगैरह। आगे देखो, ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। यस सर। जल्दी जल्दी करो, 10 और 11 करो। 10 ये 9 नंबर आएंगे आखिरी में, क्योंकि इसके लिए हमको ये डायग्राम उधर पेस्ट करना होगा ना कहीं पे। 10 हो गया था क्वेश्चन नंबर 10, ये सॉरी 10 देखो। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। भाई साहब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ बनाओ। जो तभी डाउट लिए थे 10.5 का, क्या इसीलिए डाउट लिए थे 10.5 का? सब अच्छा ही क्वेश्चन। कब लिए थे डाउट? तभी ना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बताए थे। अच्छा हाँ, 10 नंबर बनाओ। If a circle drawn taking two sides of a triangle as diameter,
10 10 यस सर 10 चलो ठीक है किसी को डाउट बन गया बढ़िया और किसी को डाउट छोड़ दे आगे बढ़े फिर यस डाउट है तो पूछ लो बाद में मत पूछते या ना कि हाँ सर नहीं बना नहीं है तो फिर बनाओ 11 बनाओ कॉमन हाइपोटेनस एसी है तो डायग्राम कैसे बनेगा बताओ डायग्राम बन जाएगा ना एक ट्रायंगल ऐसा यस कैसा ट्रायंगल है यार ये एक ये ट्रायंगल जाएगा ठीक है और इसी एसी को लेते हुए फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो यही है ठीक है इसको एसी कर लेना ये बी हो जाएगा तो शायद ये डी होगा सी ए डी और सी बी डी इक्वल करना है डायग्राम बनाओ अपने कॉपी में और बनाओ ये भी आसान है इसमें एंगल इन सेम सेगमेंट का कंसेप्ट लगेगा और बन जाएगा सर बन गया चलो फिर ठीक है इतना बना के रखो नेक्स्ट क्लास में अपना हम क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन करेंगे इसमें कोई भी डाउट वगैरह होता है तो अपना डाउट ग्रुप में डालो पूछो ठीक है उसको कंप्लीट करो क्योंकि डाउट ग्रुप तुम लोग का एकदम ही एक्टिव रहता ही नहीं है थोड़ा भी एक्टिव नहीं रहता है तो डाउट और पूछो करो यार डाउट होता रही है तुम लोग को आज तक भी जो भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होता है होता है दीदी से पूछ लेते हैं कौन दीदी से मेरी दीदी अच्छा 11 में क्या वो नहीं पास आउट अच्छा पास आउट अभिषेक इतना अच्छे से पढ़ाई कर लिया कि डाउट ही नहीं होता है नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है ना क्या करता है दिन भर आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते हम लोग अरे भाई साहब हाँ सर बहुत सही बात बोली है तुम तो परेशान नहीं करना चाहते आर्यन आर्यन को तो होता है इसलिए डाउट क्लास लेने आ जाता है अपना Yes. उठा पुठा नहीं मन किया कि घूमने चलना है तो आ जाता है डाउट क्लास लेने कृतिका को एक भी डाउट नहीं होता है ना कृतिका होता है तो एक भी दिन नहीं पूछिए कुछ भी पूरे साल में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछिए सेशन खत्म हो चुका है क्लियर कर लेता हूं ऑनलाइन इतना सारा मोड है अच्छा चलो बढ़िया है सर एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन फाइनल ऑफलाइन कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं अब तुम लोग बहुत चिल मार लिए चिन्मय का तो शेड्यूल कल आ ही गया पूरा हमको उससे मतलब नहीं हम अपने एग्जाम की बात कर रहे हैं जो हम लेंगे सर स्कूल ही का पूछ रहे फाइनल एग्जाम आपको पता होता है हमको नहीं पता है सर चिन्मया का एक मार्च से है तो क्या है नहीं है वो yes, सर उन लोग का तो ऑनलाइन आ गया हम लोग का पता नहीं है अच्छा उन लोग का ऑनलाइन होगा यस सर टाइमिंग तो ऐसा ही है 2 to 5:30 तक तो फिर ऑनलाइन ही होगा 9 क्लास का ये ऑफलाइन भी हो
दो शिफ्ट में ले रहा हो, कुछ कर रहा हो? नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो ये भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन होगा? सर हम पढ़े नहीं, आपको भेज देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मंडे से, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ये तीन दिन क्वाड्रिलेटरल का ऑफलाइन में रिवीजन क्लास होना है। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। जिस भी भाई बंधु दोस्त को आना है पढ़ाई करने, आकर के कर सकता है। अब तुम लोग का नेक्स्ट वीक से हम क्लास नहीं लगाएंगे, जम के रिवीजन करो। कोई भी चैप्टर में डाउट हो रहा है तो डाउट आकर के लो, लेकिन ऑफलाइन ही लो। कोशिश करो सेंटर में पहुंचने का। अब ठीक है, क्या लिखा है? वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एग्जाम फॉर ऑल क्लास विल बी हेल्ड ऑन 27 फरवरी। यहाँ तो कहीं मेंशन ही नहीं है ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो सर लेकिन शायद आया हुआ था कि ऑनलाइन। अच्छा, पता नहीं। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बस केमिस्ट्री का क्लास हम अरेंज कर दिया करेंगे, बाकी कोई भी क्लासेस नहीं होगा आपसे। सर अगर मंडे को रिवीजन क्लास नहीं लेने आ सके तो ट्यूसडे वगैरह को आ सकते हैं? काहे भाई, मंडे को क्या करना है तुमको? नहीं मतलब कोई अगर, मतलब कोई भी डे अगर नहीं आ पाए तो उसके अगले दिन आ सकते हैं? हाँ हाँ आ सकते हो, लेकिन तुम लोग का टाइमिंग 3:30 या 3:05 ही रहेगा, इसी बीच में, इसके पहले नहीं, क्योंकि उसके पहले हम 10th वालों को रिवाइज कराए। 4 बजे बोले है ना? यस सर, 4 से 6। हाँ तो 4 से 6, तीन दिन तो हम फिक्स किए हैं, उस तीन दिन हम 4 से 6 में क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन कराएंगे। जिसको भी आके करना है कर लो, और अगर कोई भी अलावा भी। हाँ हाँ रे, अच्छे से मार खाना है तुमको सर, मतलब कि जिसको नहीं थोड़ा सा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को बिल्कुल समझ नहीं आया था। नहीं पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा तीन दिन में। लेकिन तो दो घंटे का रहेगा ना, तो दो घंटे में, और ऑफलाइन में चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन में थोड़ा कम पढ़ा पाते, ऑफलाइन तो हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। तो ये तीन दिन चलेगा 4 से 6, तो जिसको भी आना है क्वाड्रिलेटरल का क्लास करने के लिए आ जाना, ठीक है। एंड सैटरडे को, सैटरडे को 3 से 6 रहेगा तुम्हारा एग्जाम, ये भी ऑफलाइन होगा। ये इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे तो कोई एग्जाम नहीं है ना, परसों मैथ्स का ही होगा। साइंस का कितना एग्जाम हुआ था अभी तक? एक ही हुआ था, तो साइंस ही होगा। और कॉपी साइंस वाला चेक हो चुका है, वो भेज ही नहीं पा रहे क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं हुआ है अभी तक। सर मैथ्स वाला, मैथ्स वाला नहीं किया अभी, कर देंगे क्या दिन, कॉपी मिल जाएगा उसके लिए टेंशन नहीं लो। तो नेक्स्ट वीक मैथ्स ही लगाइएगा ना? नेक्स्ट वीक साइंस का होगा, ठीक है अपना साइंस का। सर एक और चीज पूछ रहा, साइंस का रिवीजन क्लास नहीं होगा क्या? तुमको डाउट चाहिए तो बोलो ना, डाउट हम दिलवा देंगे। साइंस में क्या रिवीजन सर, ऐसे डाउट का नहीं, मतलब फुल सिलेबस ही रहेगा। हां फुल सिलेबस, जो जो हट चुका है वो नहीं रहेगा, डिलीटेड चैप्टर नहीं रहेंगे, जो नहीं है वो रहेगा। साइंस में डाउट चाहिए वो बोलो, हम डाउट भी ऑफलाइन दिलवा देंगे, उसका रिवीजन क्लास नहीं लगेगा। अब समय ही क्या है, मूल कॉन्सेप्ट तो करा ही दिए। कोई चाहिए डाउट तो मेरे को बस बता दिया करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम उसका क्लास अरेंज करा देंगे, ठीक है। चलो तो मंडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे और फ्राइडे पहुंच जाना 3 बजे से, फिर 3 बजे बोल रहे, 4 बजे से 6 बजे तक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कलेक्ट करके ले आना, ताकि जो क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन होगा उसके बाद उन सब से क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। तो पेरेंट्स को कोशिश करना 6:30 तक में ही वापस बुलाने का, 6:30 या 6:15 में बोलना कि 6:15 में आ जाइएगा लेने, ठीक है। तो आओ और वहीं पर पढ़ाई करो, बहुत तुम लोग हो गया अचीव कर लिया है, और अपना एग्जाम भी वहीं पर आकर के देना है, ठीक है। चलो सेवा समाप्त, आज का ऑनलाइन क्लास का मेरे तरफ से समाप्ति, केमिस्ट्री का चलते रहेगा, बहुत चल लिया ऑनलाइन क्लास। बाय सर, बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। और तू नहीं भी बोलेगी तो भी नाइस डे रहेगा।
चलो ठीक है, बाय बाय।